हेलो फ्रेंड्स, आजकल नेट पर आप सभी ने देखा है रणबीर कपूर आलिया भट्ट का जो केक है कितना वायरल हो रहा है। चाहे वो फायर वाला हो या आलिया भट्ट का फेवरेट कैफे लैटो मिल्क केक है, तो मैंने आज यह कैफे लैटो मिल्क केक बनाया है। बनाने में बहुत ही इजी है, मात्र 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है और यह इतना टेस्टी है फ्रेंड्स। मैंने जिसे भी यह केक खिलाया है जबी को बहुत पसंद आया, और मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाया है और यह फर्स्ट टाइम में ही इतना टेस्टी बना। आप इसके अंदर का टेक्सचर ये देखिए कितना जूसी है और जो स्पॉन्ज बनाया है कितना जालीदार है। तो एक बार यह जरूर ट्राई करें, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है और बहुत ही टेस्टी बना था टेक्सचर में, टेस्ट में बहुत ही। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करें, लास्ट तक देखें, तो आपका भी फर्स्ट टाइम में यह जो कैफे लैटो मिल्क केक है बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम स्पॉन्ज बनाएंगे। तो स्पॉन्ज आज हम कुछ ट्विस्ट के साथ बनाएंगे। जनरली वैसे नेट पर देखा जाए तो जो स्पॉन्ज है मैदा से बनाया जाता है, बट मैं आज प्रीमिक्स से बना रही हूँ। तो मैंने 1 कप यानी कि 180 ग्राम प्रीमिक्स लिया है और यह वेनिला फ्लेवर का प्रीमिक्स है। इसे हम छान कर यूज करेंगे क्योंकि एक तो जो प्रीमिक्स है लाइट और एरी हो जाएगा, दूसरा क्या है रखे रखे कभी कभी प्रीमिक्स में थोड़े से कीड़े दिखने लगते हैं, तो आप छान कर यूज कीजिएगा। और आप छानने के बाद देख रहे हो प्रीमिक्स में काफी मोटे मोटे कण हैं, इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसी में मिक्स कर देंगे क्योंकि इस प्रीमिक्स में शुगर रहती है और जिसे स्पॉन्ज फूलता है वह सारी चीजें रहती हैं, तो फेंकिएगा नहीं। और अगर आपको मैदा से बनाना है फ्रेंड्स, तो उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स पर पिन कर दूंगी, वहां से चेक कर लीजिएगा, मैदा से भी ट्राई कर सकते हो। अब मैंने इसमें 2 टीस्पून फ्लेवरलेस ऑयल डाला है, आप इसमें सरसों का या मूंगफली का ऑयल नहीं डालिएगा। अब इस प्रीमिक्स को घोलने के लिए हमने आज दूध का यूज किया है। वैसे तो जनरली जो प्रीमिक्स है पानी से बनाया जाता है, बट मैंने इसे आज दूध के साथ ट्राई किया है, तो मैंने इसके लिए पहले 1/2 कप दूध लिया है जो कि रूम टेम्परेचर पर है और बॉईल किया हुआ दूध है। तो दूध को मैंने 2 बैचेस में इसमें मिलाया है क्योंकि एक साथ नहीं मिलाना है, नहीं तो जो बैटर है पतला हो जाएगा और स्पॉन्ज अच्छा नहीं बनेगा। और हल्के हाथ से इस दूध को हमें मिक्स करना है। और फ्रेंड्स, मिक्स करने के बाद आप देख रहे हो जो बैटर है काफी ड्राई है, तो मैं वापस से 1/4 कप दूध और लूंगी और इसमें थोड़ा थोड़ा करके इस दूध को हम मिक्स करेंगे और वैसा ही नॉर्मल जैसे बैटर बनाते हैं हम केक के लिए रिबन जैसा फ्लोई, वैसा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। और आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करो तो आपका भी फर्स्ट टाइम में यह केक बनके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो जो बैटर है कैसा रिबन जैसा फ्लोई बनाकर तैयार किया है और इसमें कोई भी आपको गुठली नहीं दिख रही है, बिल्कुल स्मूथ है। तो आप इसी तरह का बैटर बनाकर तैयार करिएगा। और इस बैटर में 1/2 प्लस 1/4 कप दूध लग गया था, आप अपने बैटर के हिसाब से दूध को एडजस्ट कर सकते हो। अब इस स्पॉन्ज को बनाने के लिए मैंने इस तरह से पैन का यूज किया है। आज इस पैन में हम स्पॉन्ज बनाएंगे जिसे पहले से मैंने बटर पेपर और ऑयल लगाकर तैयार रखा था, और सारा बैटर इसमें हम ट्रांसफर कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का हैवी वेस वाला पैन नहीं है तो आप जनरली कोई भी स्टील की थाली ले सकते हो, गोल वाला मोल्ड ले सकते हो एल्यूमिनियम का, तो आप इस तरह से बनाइएगा, बहुत अच्छा बनता है। तो इस बैटर को हम चारों तरफ इस तरह से फैला लेंगे स्पैचुला से और थोड़ा सा टैप टैप भी कर लेंगे, जिससे क्या इसमें कोई भी एयर बबल्स है वह निकल जाएंगे। और टैप टैप करने से पहले नीचे थोड़ा कपड़ा बिछा लीजिएगा, जिससे क्या है जो पैन है थोड़ा हैवी बेस वाला है वह खराब ना हो। तो अब स्पॉन्ज को हम बेक करेंगे, जिसके लिए फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा है और इसके ऊपर डायरेक्ट पैन रख दिया है और इसके ढक्कन से इसे कवर कर देंगे। और इस ढक्कन में छेद आता है तो जिसे मैंने सिल्वर फॉइल से कवर कर दिया है। अगर आपका यह पैन हैवी वेस वाला नहीं है तो आप लोहे का तवा लीजिए, उसे पहले गैस पर रखिए और फ्री हीट करके उसके ऊपर पैन रख दीजिएगा। बट इस तरह आप तवे के ऊपर बनाओगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा ले सकता है, बट मैंने जो डायरेक्ट पैन को गैस के ऊपर रखा है तो इसे पकने में टाइमिंग जो है 10 से 12 मिनट लगती है, तो मैं इसे 10 से 12 मिनट बेक करूंगी। अगर आप कोई मोल्ड में या
उसमें बर्तन में बनाते हो उसे आप फ्री हीटेड कढ़ाई में बेक कीजिएगा, उसे भी बेक होने में 15 से 20 मिनट लगेगा। तो 10 से 12 मिनट में आप देख लो फ्रेंड जो स्पॉन्ज है कितने अच्छे से फूला है, और इसे टूथपिक से हम चेक कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल टूथपिक क्लियर है, तो यह जो स्पॉन्ज है 10 मिनट में बनके तैयार हो गया था। तो मैं इसे ढककर 1 मिनट के लिए और बेक कर लूंगी। तो 1 मिनट हो चुका है, एक बार और चेक कर लेते हैं। वैसे तो पहले पक चुका था, बट मैंने सोचा थोड़ा बहुत और थोड़ी कसर रह गई, बिल्कुल कच्चा ना रह जाए, इसलिए मैंने 1 मिनट और करा। और आप देख रहे हो बिल्कुल बनके तैयार है। तो फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे गैस के ऊपर से हटाकर हम प्लेटफॉर्म पर रख देंगे और इसे कवर कर लेंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। उसके बाद डीमोल्ड करेंगे। और स्पॉन्ज ठंडा होता है जब तक उसे सोक करने के लिए एक हम मिक्सर को तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए आज हम 1 कप रूम टेम्परेचर का उबला हुआ दूध लेंगे। और यह दूध जो है फुल फैट या लो फैट वाला कोई सा भी ले सकते हो। अब इसमें हम 1/2 कप फ्रेश अमूल की क्रीम ऐड करेंगे, इसलिए आप चाहो तो लो फैट वाला दूध भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हमने इसमें जो जो चीजें ऐड की हैं उससे क्या है दूध का टेस्ट रिच हो जाएगा। अब इसमें मिठास के लिए हम मिल्क मेड का यूज करेंगे। इससे क्या होता है, एक तो आपको शुगर ऐड नहीं करनी पड़ती है, इसी से मीठा हो जाता है। दूसरा क्या है, इससे खोए का टेस्ट आता है। और कप में थोड़ा सा जो मिल्क मेड रह गया है उसे स्पैचुला से हम पूरी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे, क्योंकि यह हमारे मेहनत की कमाई का है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यह दूध का मिक्सचर बनके तैयार है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून मिल्क मेड और ऐड किया था क्योंकि मीठा कम था। इसे साइड में रखेंगे और यह स्पॉन्ज भी अब हल्का सा गर्म है, इसी स्टेज पर इसे हम डीमोल्ड करेंगे। तो बटर और ऑयल के कारण यह आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। अब इसके पीछे का हम बटर पेपर निकाल देंगे और पीछे से फ्रेंड्स आप देख रहे हो कितने अच्छे से बेक हुआ है, जला भी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास हैवी बेस वाला पैन है तो प्लीज़ आप पैन में ही बनाइएगा, क्योंकि एक तो 10 मिनट में बेक होके तैयार हो जाता है, दूसरा यह और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। आप देख ही रहे हो यह इतना सॉफ्ट था, मैं बता रही हूँ खाने में, कि मुंह में जाते से ही यह घुल गया था, बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट था। और ये देखिए टेक्सचर इसका कितना सॉफ्ट है। अब इसे हम सोक करेंगे, जिसके लिए इसे एक बर्तन में रख लेंगे। तो अब फ्रेंड्स आप देख लो बिल्कुल मैंने स्पॉन्ज के साइज का बर्तन लिया है, इसी में हम इसे सोक करेंगे, आगे का प्रोसेस करेंगे। अब इसे हम फोक से चारों तरफ से छेद कर लेंगे स्पॉन्ज में, जिससे क्या है जब हम दूध से इसे सोक करें तो अंदर तक जो दूध है अच्छे से सोक हो जाएगा, और जिससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अच्छे से आप छेद कीजिएगा पूरे स्पॉन्ज में। और उसके बाद हमने जो दूध का मिक्सर बनाया है इसके ऊपर हम पोर करेंगे, चारों तरफ अच्छे से पोर करेंगे, और एक साथ सारा नहीं करना है, अभी हमें थोड़ा दूध ही इसके ऊपर पोर करना है। और सॉरी फ्रेंड्स आज जो वीडियो है थोड़ी लंबी हो रही है, क्या है अगर मैंने काट कर बताया तो जो बनाने का तरीका है पूरा शेयर नहीं किया तो आप नहीं बना पाओगे, इसलिए जो वीडियो है आज थोड़ी लंबी हो गई है। तो आप देख रहे हो दूध डालते से ही यह सारा सोक करता जा रहा है स्पॉन्ज, तो मैंने अभी थोड़ा सा ही इसे डाला है। अब इसे हम थोड़ी देर रख देंगे जिससे सारा दूध यह सोक कर ले। और जब तक हम इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी से डेकोरेशन करेंगे, जिसके लिए मैंने स्ट्रॉबेरी को अच्छे से गर्म पानी में नमक डालकर धो लिया है, जिससे इसमें कोई भी कीड़े मिट्टी हो सारी निकल जाए। तो इसके ऊपर की मैंने जो हरे कलर की डंडी है पत्तियां हैं वह नहीं निकाली हैं, इसी के साथ इसे हम कट करेंगे और केक के ऊपर लगाएंगे तो देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आप इस तरह से 4 पीसेस में इसे कट कर लीजिएगा, अगर स्ट्रॉबेरी बड़ी है तो आप 6 पीस भी कर सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी कट हो चुकी है, इसे साइड में रखेंगे और अब वापस से इसे स्पॉन्ज को लेंगे। तो देख रहे हो 2 मिनट में ही यह सारा दूध सोक कर चुकी है, तो इसे हम एक बार और सोक करेंगे, जिससे अगर कहीं भी थोड़ा बहुत यह सूखा सा रह भी जाए तो अच्छे से दूध को सोक कर ले। 2 बार इसे सोक करेंगे। और फ्रेंड्स सारा दूध इसे के ऊपर हम नहीं डालेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे, क्योंकि लास्ट में आपको पता पड़ेगी कि मैंने थोड़ा सा दूध क्यों बचाया। तो लगभग ये देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा 1/2 ग्लास दूध बचा कर रख लिया है, और इसे हम
साइड में 2 मिनट के लिए और रख देंगे, जिससे जो दूध दोबारा हमने डाला है सारा सोख हो जाए। अब देख रहे हो फ्रेंड, दूसरी बार का भी जो दूध है पूरी तरह से नीचे तक सोख हो चुका है। अब इसके ऊपर हम क्रीम लगाएंगे, और अब इसके ऊपर हम क्रीम लगाएंगे जिसके लिए मेरे पास यह पहले से क्रीम रखी थी, इसलिए मैंने बीट नहीं की। आप आधा कप क्रीम को स्टिप पिक आने तक बीट कर लीजिएगा। तो मैंने पहले ग्रीन कलर लगाया क्योंकि ऊपर से बिल्कुल व्हाइट दिखना चाहिए, जो कैफे लैटो मिल्क केक है व्हाइट दिखता है। अगर आप सेल कर रहे हैं तो मेरी तरह यह यूज नहीं कीजिएगा बची हुई क्रीम, फ्रेश ही बीट कीजिएगा। बट मैं घर के लिए बना रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से बिल्कुल स्मूथ कर लिया है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब इसे हम आधा से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे यह क्रीम अच्छे से सेट हो जाएगी। और अब इसे हम आधा घंटे बाद फ्रिज में से निकालेंगे और इसे कट कर लेंगे इस तरह से, जैसा हम नेट पर देखते हैं, जैसे आलिया भट्ट का ट्रेंडिंग केक है उसी तरह से इसे पूरी तरह से डेकोरेट करेंगे, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो आप ये देखिए, बिल्कुल वैसे ही मैंने इसे बनाया है, डेकोरेट किया है, और बीच में मेरे को थोड़ा खाली लग रहा था तो मैंने एक स्ट्रॉबेरी रख दी है। अब इसे फ्रिज में रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए, क्योंकि यह ठंडा खाने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो अब 8 घंटे बाद इसे मैंने फ्रिज में से निकाला है और अब इसे कट करेंगे। तो इसका आप अंदर का टेक्सचर तो वैसे स्टार्टिंग में देख ही चुके हो, और एक बार मैं इसे और आपको कट करके दिखा देती हूँ वीडियो में। वैसे तो बहुत ही लंबी वीडियो हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जो अंदर का टेक्सचर है कितना टेस्टी है, बिल्कुल जूसी बना है और जालीदार है यह टेक्सचर। तो आप बिना स्किप किए हुए फिर से कहती हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो फर्स्ट टाइम में ही यह केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो इसे अब हम सर्व करेंगे प्लेट में इस तरह से। तो जो सर्विंग का तरीका है थोड़ा अलग है, तो हमने जो दूध बचाकर रखा था वह इसीलिए बचाकर रखा था कि थोड़ा सा दूध सर्व करते समय हमें इसके ऊपर पोर करना है। साइड से पोर कीजिएगा क्योंकि ऊपर हमने क्रीम लगाई है, तो क्रीम वह मैं नीचे आ जाएगी मेल्ट होकर, इसलिए तो साइड से इस तरह से थोड़ा सा दूध इसके ऊपर पोर करना है। तो हमारा यह कैफे लैटो मिल्क केक बनके तैयार है। अब इसे मैं एक बार स्पून से और कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए टेक्सचर में, ये देखिए इसका स्पॉन्ज इतना फ्रेंड्स टेस्टी बना। मैंने अपने हस्बैंड को खिलाया और बाकी 1-2 लोगों को भी खिलाया, सबका रिएक्शन इतना अच्छा था पूछिए ही नहीं। तो फ्रेंड्स, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।